समायरा, अगर तुम अडल्ट करेला खाओगी तो तुम बड़ी हो जाओगी, लेकिन लिटिल करेला से हमेशा छोटी ही रहोगी। लेकिन मम्मा, मुझे आपकी तरह ना बड़ा होना है। हाँ। लेकिन रुको, तुम इसे 12 घंटे से पहले नहीं खा सकती। हाँ, लेकिन मुझे तो बहुत जल्दी बड़ा होना है। हे, देखो कौन आ रहा है, हमारी क्लास की सबसे बेवकूफ लड़की। हे, तुम लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हो। एक बार मैं अडल्ट हो गई ना, बड़ी हो गई, उसके बाद में तुम सबसे ज्यादा फिट हो जाओगी। सिर्फ तुम्हारे सपने में। क्या तुमने अडल्ट करेला लिया है? हाँ लिया। और तुमने? हम सबने तो स्मॉल करेला लिया है। पर क्यों? ओह, तुम बड़ी होने के बाद भी एक बच्ची की तरह ही दिखोगी। भटूरी, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। तुम अकेली नहीं हो जिसने अडल्ट करेला चूज किया है। हाँ, इसका मतलब तुमने भी। हाँ, आखिर हमेशा बच्चा बनके कौन रहना चाहेगा? जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जिन्होंने अडल्ट करेला चूज किया है उनकी एज बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है। हाँ, या आप टीनेजर बन जाओगे या मॉम या ग्रैंड माँ। लेकिन मुझे ग्रैंड माँ बनना, मुझे बुड्ढी नहीं बनना। नहीं नहीं, ओ नो, अगर मैंने अडल्ट करेला खा लिया तो शायद मैं बुड्ढी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बुड्ढी नहीं बनना। अब मैं क्या करूं? यार तुम्हें पता है समीर और समायरा दोनों ने अडल्ट करेला चूज किया है। हम एक काम करेंगे, समीर का अडल्ट करेला चुरा लेंगे, अब सिर्फ समायरा होगी जो बुड्ढी बन जाएगी। हाँ हाँ, ओ नो, मुझे इस बारे में समीर को बताना होगा। समीर कहाँ हो तुम? स्टूडेंट, आपका करेला खाने का टाइम हो चुका है। मुझे पक्का विश्वास है समायरा बड़े होने के बाद भी सुंदर नहीं दिखेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 3, 2, and 1। वाओ, मैं कितनी प्रिटी और ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने अडल्ट करेला खाया इसलिए। एक मिनट, लेकिन बाकी सब बच्चे कहाँ पे हैं? उन सबको ऑर्फनेज में भेज दिया है। ऑर्फनेज? एक अनाथालय में? पर क्यों? क्योंकि उन सबने स्मॉल करेला खाया है। ओ नो, उस रिया भटूरी ने धोखे से समीर को स्मॉल करेला खिला दिया और अब उसे एक ऑर्फनेज में बंद कर दिया है। मुझे समीर को किसी भी कीमत पे बचाना होगा। हाँ बेटा, ये लो। ये तो इसे जाके समीर को खिला दो। लेकिन ये स्मॉल करेला या फिर अडल्ट करेला? ये अडल्ट करेला है, इसे खाने से वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा बेटा। ओके। लेकिन तुम्हें 24 घंटे से पहले उसे ये खिलाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए छोटा हो जाएगा। हमेशा के लिए छोटा हो जाएगा? हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। समीर, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इस ऑर्फनेज में आ सकती हूँ? नहीं। पर क्यों? क्योंकि आप इस ऑर्फनेज का पार्ट नहीं है इसलिए। लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स अंदर हैं। एक बार हमने मना कर दिया ना। मुझे ये करेला किसी भी कीमत पे समीर को देना होगा, लेकिन मैं ये कैसे करूँ? तुम्हें उस ऑर्फनेज के अंदर जाना होगा। क्या? लेकिन मैं उस ऑर्फनेज के अंदर कैसे जाऊँ? तुम एक टीचर की जॉब मांगने के लिए जा सकती हो। एक टीचर की जॉब? ओके, शायद ये काम कर जाए। एक्सक्यूज मी जी, क्या मुझे एक टीचर की जॉब मिल सकती है? हमारे कॉलेज में वैसे भी एक टीचर की जरूरत है। ओके, आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। ओके। रिया और भटूरी, तुम दोनों। हे, तुम तो बहुत बेवकूफ दिखती थी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। समायरा, अगर तुम्हारे पास अडल्ट करेला है तो प्लीज ये हमें दे दो, हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। और यही, तुम दोनों ने मिलकर समीर के अडल्ट करेले को बदल दिया था, जिसकी वजह से उसने आज इस ऑर्फनेज में कैद कर दिया है। क्या तुम्हारे पास ये अडल्ट करेला है? यस। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? पर क्यों? हमारा एक स्टूडेंट है, जब से वो इस ऑर्फनेज में आया है वो किसी से बात नहीं करता। किसी से बात नहीं कर रहा? हाँ। शायद इसे खाने से वो ठीक हो जाए। लेकिन उस स्टूडेंट का नेम क्या है? उसका नाम है समीर। समीर? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, मेरे पीछे आओ। मैं पागल हूँ। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? ये बीमार हो चुका है और ये तभी ठीक होएगा जब ये अब बड़ा हो जाएगा। क्या मैं इसे ये अडल्ट करेला दे दूँ? शायद इससे ये ठीक हो जाए। नहीं रुको, इसे करेले से एलर्जी है, अगर इसने ये करेला खाया तो ये मर जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। ये सब भटूरी और रिया की गलती की वजह से हुआ है, उन्होंने समीर के बिग करेले की जगह स्मॉल करेला रख दिया। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें बस उसके बड़े होने का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो मैं इस ऑर्फनेज को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? मुझे सिर्फ एक दिन के लिए इस ऑर्फनेज का लीडर बनना है। पर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है। ठीक है, तो मैं कुछ समय के लिए इस ऑर्फनेज से चला जाता हूँ, तुम लीडर बन जाओ। ओके। अब हम दोनों मिलके समायरा को बहुत परेशान करेंगे। ओ रियली? ओ तो तुम शायद तुम दोनों भी जानते नहीं हो। एक मिनट, कहीं तुम? तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं इस ऑर्फनेज की नई लीडर हूं। लेकिन ये कैसे हुआ? और तुम दोनों ने समीर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए आज से तुम दोनों मिलके इस सारे ऑर्फनेज की सफाई करोगे। ओके, जैसा आप कहती हो। तुमने अभी तक करेला नहीं दिया समीर को। उसे करेले से एलर्जी है, इसलिए मैं उसे नहीं दे सकती। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है अब। लेकिन मैं क्या करूं अगर मैंने उसे दे दिया? बेटा, तुम्हें मेरे पे विश्वास है ना, तो तुम ये करेला समीर को दो, वो ठीक हो जाएगा। समीर? हेलो, तुम? समीर, तुम मुझे जानते हो ना? हाँ, तुम समायरा हो ना? हाँ। समीर, जल्दी से तुम ये करेला खा। नहीं।
लेकिन मुझे तो एलर्जी है। समीर तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना? हाँ। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम जल्दी ठीक हो सकते हो। क्या सच में? हाँ ठीक है तो मैं इसे खा लेता हूँ।